अनुशासन के संबंध में बात चली, मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए किसी भी आदमी, लेकिन कुछ लोगों को दर्द हुआ। मेवाड़ी में कहावत है कि भैंस बियाती है और पांडे की कमर फटती है, कुछ लोगों की कमर फटी इसलिए वो बोले, बाकी ऐसा नहीं। ये अनुशासन का मैटर, हमारे एसीसी से आदेश जारी हो गए, रंधावा जी बोल गए, सारी चीजें आगे, कल राहुल गांधी जी खुद मौजूद थे। तो अनुशासन के अंदर पार्टी में रहकर काम करें तो उसकी अहमियत होती है जीतने। अब हम चुनाव में जा रहे हैं तो हमारा मकसद यह है कि चुनाव में जाएंगे, मैं तो कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हूं नहीं, मुख्यमंत्री के जो दावेदार जो हैं तो उनको एक सोचे, जब अशोक गहलोत जी को बना रखा है, आला कमान ने बना रखा है, उन्होंने कह दिया, तो जब वो एक हाथ दीवार बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, कोई आदमी गलत स्टेटमेंट दे के दो हाथ गिरा देता तो उसका मतलब क्या होता। जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता को सोचने की बात है कि ऐसे लोगों का साथ नहीं दें ताकि कांग्रेस जीत का आए, उस जीतेगी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। आज इतना शानदार हमारा बजट है, राहुल गांधी जी की जो शानदार महंगाई, भ्रष्टाचार और सामाजिक समरसता पे यात्रा निकली है, शानदार समर्थन मिला हम लोगों को।